हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल टेकवुड पे। और आज हम बात करने वाला है कि हर बार हमारा स्टॉप लॉस क्यों हिट होता है। तो आज हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ जगह पर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो सकता है, और लास्ट में हम ये देखेंगे कि हम अपना स्टॉप लॉस हिट करने से कैसे बच सकते हैं और प्रॉफिट कैसे कमा सकते हैं, या अगर पहले से ही मार्केट में कैसे निकल जाएंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आज हम ये देख लेते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी में, कि हमारा स्टॉप लॉस कहाँ कहाँ पर हिट हो सकता है। तो मान लीजिए कि यहाँ पर आप सपोर्ट के तौर पर गिन रहे हैं, तो यहाँ पर आपने सपोर्ट लेके रखा है, तो आप मान लीजिए कि बाइंग करके रखा है, तो आपका स्टॉप लॉस तकरीबन यहाँ सपोर्ट के आजू बाजू ही होगा। तो मान लीजिए कि आपने सपोर्ट के 5 या 6 पॉइंट भी नीचे अपना स्टॉप लॉस रखा होगा, तो भी यहाँ पर हिट हो सकता था। तो आपने कई बार सुना होगा कि जो बड़े ट्रेडर्स होते हैं वो आपका स्टॉप लॉस हिट करवाते हैं, तो कहने की बात होती है, पर वो स्टॉप लॉस कैसे हिट करवाते हैं वो देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, 12 पॉइंट मार्केट नीचे जाकर आपका स्टॉप लॉस हिट करवा के ऊपर चढ़ा है वापस। तो यहाँ पर आप ऐसा भी मत सोच लीजिए कि यहाँ पर ब्रेक डाउन हुआ है तो हम शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं। अगर शॉर्ट सेलिंग में क्या होता है, कब शॉर्ट सेलिंग करते हैं, ब्रेकआउट कब होता है और ब्रेक डाउन कब होता है, वो सब हम बाद में एक वीडियो में चर्चा करेंगे कि आपको कब ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट में पोजीशन बनानी है। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए कि आपने अपने सपोर्ट से 5 पॉइंट भी नीचे अपना स्टॉप लॉस लगाया होता, तो यहाँ पर आपको, यहाँ पर देखिए, मार्केट 12 पॉइंट नीचे जाकर वापिस ऊपर आया है, तो उसका मतलब आपका स्टॉप लॉस हिट होने ही वाला था। और देखिए, यहाँ पर हम देखेंगे कि हम अपने स्टॉप लॉस हिट करवाने से कैसे बच सकते हैं। यहाँ पर बैंक निफ्टी में देख सकते हैं, बैंक निफ्टी में देखिए, यहाँ पर भी बहुत अच्छा सपोर्ट था तकरीबन 590 पर। तो यहाँ देखिए, मार्केट 30 पॉइंट नीचे जाकर वापस ऊपर चढ़ा है, और बाकी ये देखिए, यहाँ पर सस्टेन होकर ऐसे ही मार्केट घूम रहा है। यहाँ पर भी एक बड़ी स्ट्रेटेजी थी, तो यहाँ पर देखिए, हम ऐसे लगा कर रखते हैं, तो यहाँ पर देखिए मार्केट का, अगर मार्केट ज़्यादा चला होता तो सबसे पहले इसको पहचानेंगे कैसे कि आपका स्टॉप लॉस हिट होने वाला है। तो देखिए, यहाँ पर आप वॉल्यूम देख सकते हैं का, जो भी स्टॉप लॉस हिट होना था यहाँ पर बड़े ट्रेडर्स, तो जो बड़े ट्रेडर्स होते हैं वो क्या सोचते हैं कि वो, आप जो भी हम रिटेल निवेशक हैं, जो छोटे निवेशक हैं, उस वो जो सोचते हैं उससे एक स्टेप थोड़ा सा आगे सोचते हैं। तो इसलिए सब ऐसा कहते हैं कि बड़े प्लेयर ने मार्केट में, बड़े प्लेयर ने आपका स्टॉप लॉस हिट करवा दिया। तो हम बेसिकली क्या करते हैं कि अपना जो भी सपोर्ट होता है उससे 5, 10 या 15 पॉइंट यहाँ पर इंडेक्स में ट्रेड कर रहे हैं, तो आप सिंपल 5, 10 पॉइंट नीचे अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे। तो बड़ा ट्रेडर्स क्या होता है, उसके पास तो ज़्यादा मार्जिन होने की वजह से वो क्या करते हैं कि अपना स्टॉप लॉस जो होता है वो दूर लगाते हैं, यहाँ पर दूर लगाते हैं, या यहाँ से उसको लगता है कि अब मार्केट इससे नीचे नहीं जा सकती, तो यहाँ से वो बाइंग स्टार्ट करते हैं, ना कि यहाँ से। तो आपका स्टॉप लॉस हिट होगा यहाँ पर, यहाँ पर जाके उठेगा। यहाँ पर देखिए, बड़ी वॉल्यूम यहाँ पर ज़्यादा दिखाई दे रही है, इसका मतलब किसी बड़े प्लेयर ने यहाँ पर आके देखिए बाइंग की हुई है, और उसके बाद आपका स्टॉप लॉस हिट होकर मार्केट वापस ऊपर चली गई। यहाँ पर भी देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर 20 पॉइंट मार्केट नीचे गया है, तो यहाँ पर भी आपका स्टॉप लॉस हिट हो सकता था। देख सकते हैं यहाँ पर भी वॉल्यूम अच्छा खासा है, तो यहाँ पर देखिए किसी बड़े प्लेयर ने आपका स्टॉप लॉस हिट करवाया है, ऐसे आप सोच सकते हैं। पर बेसिकली होता क्या, वो उसकी सोचने का तरीका होता है, और हम ऐसे सोचते हैं कि यहाँ पर मार्केट सपोर्ट के नीचे 5-10 पॉइंट जाएंगे तो हम निकल जाएंगे, पर बड़े प्लेयर क्या सोचते हैं, वो ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन की स्ट्रेटजी पर काम करते हैं। वो ऐसा सोचते हैं कि अगर ब्रेक डाउन भी होता है तो एक बड़ी कैंडल बनने के बाद ब्रेक डाउन होगा, हम क्या सोचते हैं कि सपोर्ट के नीचे आया तो चलो ब्रेक डाउन हो जाएगा, तो 5 पॉइंट के नीचे ही हम अपना स्टॉप लॉस लगा देते हैं। पर बड़े प्लेयर के जो भी अच्छे खासे हो, जिसके पास ज़्यादा कैपिटल है, वो क्या सोचते हैं कि ये जो भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस होता है उससे थोड़ा ज़्यादा पॉइंट की दूरी पर अपना स्टॉप लॉस या टारगेट लगाते हैं, इसलिए वो बच जाते हैं और आपको ऐसा लगता है कि बड़े प्लेयर ने आपका स्टॉप लॉस हिट करवाया है। ये तो मार्केट का गेम है, ऐसा तो चलने ही वाला। तो अब ये देखते हैं कि स्टॉप लॉस हिट होने से हम बचे कैसे। तो एक बेस्ट एग्जांपल दो, तो यहाँ पर मान लीजिए कि आपका सपोर्ट यहाँ पर है, और मान लीजिए कि जिस भी प्लेयर ने यहाँ पर से बाइंग की हुई है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, मैं पॉइंट आउट कर देता हूँ। मान लीजिए कि जिस बायर ने यहाँ पर सपोर्ट बाइंग की है, और वहाँ पर एक देखिए, वो टारगेट जो भी आपका रेजिस्टेंस है वो आने से पहले ही वहाँ पर प्रॉफिट बुक करके नीचे चले जाते हैं। तो मान लीजिए कि आपको ऐसा, आपको जब भी प्रॉफिट बुक करना हो तो थोड़ा सा लालची मत होइए, और जो भी रेजिस्टेंस आए उससे पहले ही अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिए,
यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि कई लोगों ने यहाँ पर मार्केट के जब भी 10 या 15 पॉइंट नीचे ही अपना प्रॉफिट बुक करके मार्केट से वो निकल गया। तो स्टॉप लॉस लगाने वक्त मेन दो चीज़ें याद रखनी है। अगर आप देखिए कि आपके पास कैपिटल ज़्यादा है तो आपको जो भी रिटेल निवेशक आप पहले ऐसा शॉर्ट लेने का, मैं यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाता हूँ। अगर आपने एक पेपर पर लिख लेना है कि मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पर होगा और हमेशा उससे 3 या 4 पॉइंट, मैं तो ऐसा कहता हूँ कि 5 या 6 पॉइंट ऊपर या नीचे स्टॉप लॉस लगाना है। मान लीजिए कि जाएगा तो आपका क्या, मान लीजिए कि यहाँ पर निफ्टी का 1 पॉइंट होगा तो आपका 500 400 ही ज़्यादा जाएगा, पर आप अपना स्टॉप लॉस हिट होने से बच सकते हो। और यार वापिस देखिए यहाँ पर मार्केट अपना अप आ सकता है। कई बार हम देखिए यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ है, यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस हिट होने के बाद मार्केट वापस ऊपर गई है, यहाँ पर भी आपका स्टॉप लॉस हिट होने के बाद वापस मार्केट ऊपर गई है। तो और अब बात करते हैं टारगेट की। तो टारगेट की बात करें तो जब भी जहाँ पर भी यहाँ रजिस्टेंस है और जहाँ पर भी सपोर्ट है, तो उसके पहले ही आप जितना भी हो सकता है, ज़्यादा ग्रीडी मत होना है आपको, ज़्यादा लालची नहीं होना है। जो भी टारगेट या रजिस्टेंस को आप पहुंचते हैं तो उससे 5 या 10 पॉइंट नीचे ही आपका टारगेट लगाकर आप मार्केट से निकल जाना चाहिए। तो आशा करता हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। और ऐसे ही कई अनदर वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और ये वीडियो अच्छा लगा, आपको कुछ काम आया, तो इसको आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।